हैं जिन्होंने जिंदगी भर किसी रात किसी दिन में मुझे राजी करने का एक काम नहीं किया। आओ, तेरे रब की रहमत की बाहें खुली है, तेरे रब की सत्तारी की चादर तनी हुई है, तेरे रब के अता के दरवाजे खुले हुए हैं, वो देने के लिए तैयार है, पर आओ तो सही। ये कैसे हो जाए कि तुम आओ भी ना और दावे भी करो। लिहाजा एक काम कर लो, वह अनीबू इला रब्बिकुम, वह अनीबू इला रब्बिकुम, एक काम कर लो, तुम तौबा कर लो, सारे गुनाह मिटा दूंगा। लेकिन तौबा भी ना करो और कहो कि अल्लाह कर दे, तो फिर मेरा कानून भी है, अगर मैं तुम्हारी बात मानू तो हुसैन और इब्ने ज़ियाद का झगड़ा ही खत्म हो गया, फिर तो हुसैन और इब्ने ज़ियाद इकट्ठे बिठा दूं, तुम्हारी मानू तो फिर शिमर और हुसैन दोनों के लिए शहर तैयार रख, दोनों के लिए फूलों के हाथ तैयार रख। ऐसा नहीं हो सकता। अफनजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन अम नजअल मुत्तकीन कल फुज्जार, ये मैं कैसे कर दूं कि एक नौजवान रात को मुसल्ले पे आंसू बहा रहा है, एक नंगे नाच देख रहा है, मैं इनको बराबर कैसे कर दूं? एक के सामने कुरान खुला पड़ा है, एक के सामने बोतल खुली पड़ी है, मैं इनको बराबर कैसे कर दूं? एक लुकमा हराम नहीं पेट में जाने देता, पेट पे पत्थर बांध के बैठ जाता है, बच्चों के आंसू देख कर भी अपने सीने पर सिल रख लेता है कि बच्चों मैं तुम्हारे आंसू देख सकता हूं, तुम्हें हराम नहीं खिला सकता। एक के दोनों हाथ खूनखार भेड़िए की तरह, शेर की तरह उसके पंजे हैं, उसकी उसकी उसके दांत खुले हुए हैं और वो नोच रहा है, नोच रहा है, नोच रहा है, भंबोर रहा है, दोनों को बराबर कर दो। रात को रोने वाली, रात को नाचने वाली बराबर कर दो। कोई कानून तो है, ये तो मेरे कुरान को आग लगा दो, अपनी तरफ से नया कुरान लिखो, सारी करबला में शहीद होने वालों को बेवकूफी का टाइटल दे दो, सारे ज़ियाद और शिमर को अपने हीरो बना लो, सारे यज़ीदों को अपने हीरो बना लो, सारे हुसैनी काफिलों को बेवकूफ होने का टाइटल दे दो, ठीक है भाई, या फिर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, या मौत से टक्कर लेके दिखा दो, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या जहन्नम को पानी से बुझा दो, या कब्र में जाने से इनकार कर दो, या मुनकर नकीर के आगे डट जाओ, अड़ जाओ, या अल्लाह के सामने कहना मैं नहीं जाना दोज़ख़, या ये करके दिखाओ, ये नहीं कर सकते और ना कर सकोगे तो लगे थे आ जाओ।